हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब कितने में बिकी, और साथ ही साथ बताएंगे कि अजय देवगन सर की फिल्म बूज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म कितने में बिकी। तो दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि 2-3 दिन पहले हॉटस्टार और डिज्नी प्लस ने अपने इवेंट में कई सारी बॉलीवुड की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, जिनमें से वरुण धवन की कुली नंबर 1 है, अक्षय कुमार सर की लक्ष्मी बॉम्ब है, वही दोस्तों अजय देवगन सर की भूज द प्राइड ऑफ इंडिया है, वही सड़क 2 है आलिया भट्ट की, वही विद्युन जापान की कोई फिल्म है, अभिषेक बच्चन की फिल्म है बिग बुल, वैसी कई सारी फिल्में अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, अब बात यह है कि कौन सी फिल्म कितने में बिकी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म थी अक्षय कुमार सर की, वो कितने में बिकी, और वही दोस्तों अजय देवगन सर की फिल्म बूज द प्राइड ऑफ इंडिया कितने में बिकी। दोस्तों, एक फिल्म थी, एक हॉरर कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी, और उस फिल्म में अक्षय कुमार सर ने ट्रांसजेंडर का रोल किया है, अपने करियर में पहली बार ऐसा रोल किया है जिससे दर्शक एक्साइटेड थे उनको बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए। अगर वो फिल्म थिएटर पर रिलीज होती तो दोस्तों इससे ज़्यादा कमाती, इतना मैं डेफिनेट कहता हूँ। और भूज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिस तरह से तानाजी द आंसर वॉरियर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया है दोस्तों, इस हिसाब से अगर ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित थी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर दिखाई जाएगी, और वो फिल्म का VFX और मल्टी स्टार फिल्म थी, वो अजय देवगन के ऑपोजिट हमें सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, संजय दत्त जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिलेंगे दोस्तों, यानी उस फिल्म का भी बज हाई था। अगर उस फिल्म को भी थिएटर पर रिलीज करते तो वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाल करती। अब हम बात करते हैं कि कितने में बिकी। तो दोस्तों, लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म को 125 करोड़ में खरीदा है डिज्नी प्लस और हॉटस्टार ने, वहीं दोस्तों भूज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म को 112 करोड़ के बजट में खरीदा है उसको। अगर ये दोनों फिल्म दोस्तों थिएटर पर आती तो डेफिनेटली इन जितने में इनको बिका है उससे डबल की कमाई करती आराम से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो थिएटर पर आती तो इससे ज़्यादा कमाई करती लक्ष्मी बॉम्ब और भूज द प्राइड ऑफ इंडिया, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन।